भाइयों बहनों, आपको कांग्रेस से भी उतना ही सावधान रहना है। आप याद करिए, 10 साल पहले कांग्रेस ने देश को कहां पहुंचा दिया था। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी, भारत की चर्चा स्कैम के लिए होती थी। मित्रुलारा, सोदर सोदरी मणुलारा, మీకు కాంగ్రెస్ విషయంలో కూడా అంతే జాగృతగా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. గుర్తుంచుకోండి, 10 సంవత్సరాల ముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము దేశాన్ని ఏ అధోగతిలోకి తీసుకెళ్ళింది. అప్పుడు కాంగ్రెస్ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో అధికారంలో ఉన్న సమయంలో భారతదేశంలో స్కాముల గురించి తప్ప మరొక దాని గురించి చర్చ లేదు. భాయ్యర్ బహనో, ఈ కాంగ్రెస్ వాలే, इंडी अलायंस वाले गुस्से में आए दिन ईडी ईडी चिल्लाते रहते हैं। आप जानते हैं ऐसा ये क्यों करते हैं? इसका जवाब आज पूरा देश टीवी पर देख रहा है। झारखंड में ईडी ने नोटों के पहाड़ खोदकर निकाले हैं। कांग्रेस के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के पास से ये नोटों का पहाड़ निकला है। सोचिए, कांग्रेस वालों ने अपने नौकर के घर को काली कमाई का गोदाम बना रखा था। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस के एक सांसद के पास से नोटों का इससे भी बड़ा पहाड़ मिला था। इतने नोट है कि मशीनें भी गिनते गिनते थक जाती हैं। साथियों, आज मैं देश के सामने एक और संयोग की बात करूंगा। आखिर ऐसा क्यों है कि जिनके पास से भी नोटों के ये पहाड़ मिलते हैं, वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के करीबी होते हैं? ऐसा क्यों होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो कहीं सप्लाई होने के लिए रखे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली ने देश भर में ऐसे ही काली कमाई के गोदाम बना रखे हैं? देश ये कांग्रेस के शहजादे से जरूर जानना चाहता है। साथियों, मोदी जब इनकी काली कमाई पकड़ लेता है तो ये मोदी को गालियां पर गालियां देते हैं, लेकिन मोदी को गालियों की नहीं, गरीब की चिंता है। उस गरीब की जिसका पैसा इन भ्रष्टाचारियों ने लूटा है, इसलिए मोदी कानूनी सलाह ले रहा है। अभी तो ईडी ने ही सिर्फ 1.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। अगर पूरा मिलाकर देखेंगे तो कई लाख करोड़ रुपए जब्त हुए हैं। मैं कानूनी राय ले रहा हूं कि जिनको लूटा है उनको वापस पैसे कैसे लौटाया जा सकता है। पहले भी मोदी ऐसे ही 17,000 करोड़ रुपए उसके हकदारों को लौटा चुका है। किसी गरीब का हक नहीं मारा जाएगा, ये मोदी की गारंटी है।